हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी फॉर योर वे बाय शालिनी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आज के थंबनेल में आपने देख ही लिया है, आज हम एक कुर्ता प्रिंट करेंगे, वो भी गोल्डन और ब्रॉन्ज कलर में। सबसे पहले मैंने ये प्रिंट आउट निकलवाया था, ये गूगल से ही मैंने फ़ोटो लिया है। इसे मैंने कलर्ड में निकाला है, बट आप ब्लैक एंड वाइट भी ले सकते हो। और इसे मैं ट्रेस कर रही हूँ नीचे वाइट कार्बन पेपर रखकर, क्योंकि हमारा जो ब्लैक कलर का कुर्ता है उस पर वाइट कार्बन पेपर ही चलेगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप किसी भी कलर पर बनाएं तो वाइट कार्बन का ही यूज करें, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट में वाइट कार्बन का ही यूज होता है। ब्लैक और ब्लू जब हम करते हैं स्टार्टिंग में तो वो ठीक रहता है, पर वो बाद में अपनी प्रिंट छोड़ देता है, जिससे हमारा जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा ये प्रिंट हो गया है। मैं यहाँ पर ये फैब्रिक रिल का ही गोल्डन कलर यूज कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हो। पहले मैं रफली इस पर पेंट कर रही हूँ, सारा हम इसी तरह से पेंट करेंगे। पहले पिकॉक कर रही हूँ, फिर उसके बाद में फ्लास्क करूँगी। और हाँ, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी आप किसी क्लोथ पर या किसी भी चीज़ पर पेंट करें तो उसमें अंदर की साइड में थोड़ा सा न्यूज़पेपर की थिक लेयर डाल लें, जिससे जो ये आपका प्रिंट है वो दूसरी साइड पर ना प्रिंट हो पाए। क्योंकि जब हम कलर करते हैं तो कलर का थोड़ा बहुत हमारा बैक साइड पे भी आ जाता है। इस तरह से देखिए, मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर कर लिया है। अब मैं इसे फिनिशिंग कर रही हूँ ब्रॉन्ज कलर के साथ में, थोड़ा सा कॉपर और ब्रॉन्ज दोनों का यूज कर रही हूँ। इस तरह से ही हमें ये फिनिशिंग इसमें डालनी है, जिससे जो हमारा ये कुर्ता है ये बनने के बाद में काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके लिए यहाँ पर आप 00 या फिर 0 या 1 नंबर का ब्रश ले सकते हो, जिस ब्रश से आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे उस ब्रश से आप ये वर्क कर सकते हो। अब मैं इसमें यहाँ पर जितना भी हमारा फिनिशिंग वर्क है वो सब करूँगी और इसे हाईलाइट करूँगी, क्योंकि ये विदाउट हाईलाइट इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि ये हाईलाइट करने के बाद में अच्छा लगेगा। अभी आपको लग रहा है कैसा लग रहा है, बट जब ये पूरा फिनिशिंग इसमें हो जाएगी तो ये बनने के बाद में काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर हम इसे मैंने यहाँ पर पिकॉक बनाया है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो एज यू विश। आप इसमें फ्लावर्स भी बना सकते हो, लेडी बना सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें अपने वर्क कर सकते हो। ये मेरे पास में, मैंने जो कुर्ता है ये लोकल वेंडर से ही लिया था, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छे कुर्ते मिलते हैं। तो इस तरह से ये सारी फिनिशिंग हो जाएगी। आप इसमें जो गोल्डन कलर है ये एक्रेलिक कलर ही है, फैब्रिक में गोल्डन कलर नहीं आता है, तो ये थोड़ा सा हार्ड होगा, बट हाँ बनने के बाद में काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि फैब्रिक कलर हैं जो उसमें गोल्डन, कॉपर और ब्रॉन्ज कलर अवेलेबल नहीं है, ये एक्रेलिक कलर में ही हैं, तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। पर इतना हार्ड नहीं होता जितना कहते हैं कि ये एक्रेलिक कलर अगर हम क्लोथ पर यूज़ करेंगे तो वो हार्ड हो जाता है। तो ये हमारा देखिए कितना अच्छा बना है। इसे बनने के बाद में हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे एटलीस्ट 12 to 14 आवर्स के लिए। जब ये हमारा ड्राई हो जाएगा, ये बनने के बाद में देखिए इस तरह से लगेगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।